अब आप एक दिन में एटीएम से 20,000 रुपए से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल पाएंगे। एसबीआई ने ठीक त्यौहार के सीजन से पहले एटीएम कैश निकासी की सीमा में भारी कटौती की है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम कैश निकासी की एक दिन की सीमा करीब आधी कर दी है, यानी अब एसबीआई के खाताधारक अपने एटीएम से पहले से सिर्फ आधी राशि ही निकाल सकते हैं। एक दिन में अधिकतम 20,000 रुपये कैश ही एटीएम से निकाल सकेंगे, जबकि पहले ये सीमा 40,000 रुपये की थी। इस नियम को 31 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। एसबीआई के आदेश के अनुसार एटीएम ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए और डिजिटल कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैश निकासी सीमा को घटाने का फैसला किया गया है। क्लासिक और मेस्ट्रो प्लेटफॉर्म पर जारी डेबिट कार्ड से निकासी सीमा को घटाया गया है। कैश निकासी सीमा में कटौती फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले हुई है, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हो। हर दुकान कैशलेस नहीं हो सकता है। छोटी छोटी दुकानें जहाँ पे छोटे छोटे सामान लेना है, वहाँ पे हम कैशलेस मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। बड़ी दुकान में मॉल में है और बड़ी बड़ी दुकान, वो तो एटीएम स्वाइप करें, डेबिट कार्ड स्वाइप करेंगे से हो जाएगा। अगर कैश लिमिट अगर आप रिड्यूस कर देते हैं तो आपको बार बार एटीएम जाना पड़ेगा कैश निकालने के लिए, और जिसमें आपको आपका समय भी बर्बाद होगा और दूसरी चीज़ आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस भी आपको काफ़ी देने पड़ेंगे उसमें। जिस तरह से बैंक जो है अब बार बार इस तरह से चेंज करती है, फेस्टिवल में आदमी को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस समय जो है इनको 40 से बढ़ा करके 80 करना चाहिए, इन्होंने 20 कर दिया। कैश पर एक और हमला, लेकिन इससे भी जनता की परेशानियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। वैसे भी कैश के चलन में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कैश को रोकने में सरकार नाकाम है। पर एक के बाद एक जनता को परेशान करने वाले फैसले जारी हैं। कैमरामैन सुखजिंदर के साथ उजैर अली जाफरी, गो न्यूज़।